हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। मिजोरम लीग क्रिकेट T20s का ये फर्स्ट मैच कवर करें दोस्तों, जो टेक्सास सुपर किंग्स वर्सेस लॉस एंजलिस किंग्स के बीच में इस T20s का एक और जैकपॉट मैच, जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए मुकाबला दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और हमने ऐसा दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी रिसर्च करने पर दोस्तों इस मैच में भी आप सभी को ऐसा लो सिलेक्शन वाइज प्लेयर्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो स्मॉलिस के साथ साथ मिनी जेल और ग्रैंडिक्स भी विन करा कर देंगे। इधर स्टार्टिंग मुकाबले ही प्रॉफिट निकालोगे, तो किस प्लेयर के साथ हमें स्मॉलिस टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को यहाँ से ग्रैंडिक्स के टीम्स में ट्राई करना, और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगे, कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर देंगे। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस मुकाबले को विन करना। तो ऑलमोस्ट आप सब एंड तक देखना। और दोस्तों सबसे पहले देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी दोस्तों हम चलते हैं और प्लेयर प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है टेलीग्राम से जुड़ना, और जो लोग अभी तक फैंटेसी क्रिकेट फैन के रियल टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। देखो, ऑफिशियली प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बाद जो कुछ भी हमारे टीम्स में चेंजेस होंगे, इसके सारे अपडेट्स मेरे रियल टेलीग्राम पे टीम देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जो लोग भी नहीं जुड़े तो सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ना है। और जुड़ने के बाद मैच के टाइम आपको सिर्फ लास्ट के मिनटों तक चैनल पर एक्टिव रहना है, ताकि जो कुछ भी मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और मैच के टाइम लास्ट के मिनटों तक हमारे चैनल पर एक्टिव रहना। और याद रखना कि आपको सर्च नहीं करना, क्योंकि दोस्तों हमारे नाम से बहुत सारे स्कैम चल रहे, पैटिंग के नाम पर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। तो आप हमारे रियल टेलीग्राम पर जुड़ो, जहाँ पर जेन्युइन एक फ्री टीम आपको मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ना, और मैच के टाइम आपको लास्ट मिनट तक एक्टिव रहना। आप दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहले इनकी प्ले स्टेटस के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये देखो, मिजोरम लीग का ये फर्स्ट मैच है। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर अभी तक इस वेन्यू पर बहुत कम सारे मैचेस खेले गए हैं, तो ये पहले बेसबॉल का ग्राउंड था, तो थोड़ी सी वेन्यू को लेकर यहाँ पर ये मैच के टाइम जब मैच स्टार्ट होगा ना, तो इसे आधे घंटे पहले आपको एग्जैक्ट सारे रियलिटी जो रहेगी पिच के वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इसीलिए बोल रहे कि जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। दोस्तों ये फर्स्ट मैच है, जो स्टार्टिंग मुकाबले प्रॉफिट कमाओगे तो एंड तक देखना। ये मैच आपको मॉर्निंग के 6 बजे करीब में मुकाबला स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। जो वेन्यू है इनका, और जो ये वेन्यू है ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम पर मैच होगा, जिसका एवरेज स्कोर दोस्तों 140 से 160 के आसपास स्कोर बंद हुए दिखेंगे। बाकी जो पिच है, कुछ रिसेंट के मुकाबले में ये चीज़ें देखने को मिले दोस्तों क्लब लेवल के मैचेस। हाँ, तो जो पिच है बाकी एक तरह से बैलेंसड है, जहाँ पे सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी स्पिनर्स को अच्छे खास हेल्प मिलते हुए दिखेंगे आपको, ये चीज़ें क्लब लेवल के मैच में हमें देखने को मिला। तो ये थोड़ी सी पिच रिपोर्ट हमें मिल पाई इन्फॉर्मेशन, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जो भी इस मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे, जो भी ऑफिशियली प्लेइंग 11 टीम कॉम्बिनेशन या फिर हमारे फाइनल टीम्स में चेंजेस होते हैं तो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो दोस्तों TSK की टीम है, इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर और इनकी प्ले स्टैटिक्स विद रिसेंट फॉर्म जानेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इनकी टीम की ओर से डिवोन कानवे नजर आएंगे, ये टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग करवाते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट्स करके देंगे। अपने ओवरऑल T20s करियर में 156 मुकाबले खेले, 5321 रन, जहाँ पे 24 कवरेज दोस्तों 129 का स्ट्राइक रेट। और रिसेंट फॉर्म देखो तो 47-40, इससे पहले 87-30 और 10 का स्कोर। एज अ हार्ड हिटिंग खेली जाने जाते हैं, वैसे भी दोस्तों काफ़ी हार्ड हिटिंग खेलते हैं, आप इनको एज अ प्लेयर अपने टीम्स में ट्राई कर सकते हो, और मिनी जेल ग्रैंडिस के टीम्स में एज अ कैप्टन भी करके जाना। और वैसे भी इस मैच में ये आपको 15+ या फिर 20+ से ज़्यादा स्कोर करा कर देंगे, तो अभी एज अ प्लेयर इनको अपने टीम से पिक करके जाएंगे। फब्डू प्लेसेस दोस्तों टेक्निकल अच्छे प्लेयर्स हैं, अब देखो तो 343 मुकाबले अपने T20 ओवरऑल करियर में खेले, जहाँ पे टोटल 9336 रन, 32 का औसत है, 133 का स्ट्राइक रेट, और 52 इनिंग में इनको 50 विकेट भी रहा था। वैसे भी जो रिसेंट फॉर्म है, लास्ट के मैचों में 28-71, इससे पहले 55-65 और 45 का एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म, जहाँ पे ये भी हमारे टीम के एक मेन बैटिंग ऑप्शंस, तो दोनों के साथ चलेंगे दोस्तों। और आप इन्हें जीएल के टीम्स में दोनों को ये सिर्फ कैप्टन या वाइस कप्तान कर लेना। बाकी इनके सिवा जो यहाँ पर लहरू नजर आएंगे दोस्तों, ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन प्लस विकेट कीपनिंग रहते हैं, T20s 45 मुकाबले, टोटल 1049 रन, जिसमें 24 के बाद 236 का स्ट्राइक रेट, रिसेंट फॉर्म 241, इससे पहले 29-7 का स्कोर है। और एक दोस्तों देखो, जब भी इन्होंने बैटिंग का एज अ फर्स्टिंग बैटिंग एवरेज फॉर्म देखो तो ठीक ठाक नजर आएंगे, अगर आपको रिस्क लेना हो तो फिर अपने स्मॉलिंग में ट्राई करो। बाकी मेरे सजेशन से ही रहेगा, अगर फर्स्टिंग में टीम बैटिंग कराती हैं तो यहाँ से इनको हम पिक करके जाएंगे, वरना एज अ ड्रॉप भी कर सकते हो। वैसे भी अगर फर्स्टिंग में टीम बैटिंग करेंगे तो ज़रूर से टीम्स में ट्राई करके जाना।
अब यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से साई तेजा का फॉर्म है एज अ राइट हैंडर बैट्समैन, नवासी मुकाबले टी ट्वेंटी के अंदर टोटल 2060 रन, जिसमें 32 का औसत, 139 का स्ट्राइक रेट और 8 इनिंग में 2 विकेट था। रिसेंट के मैचों में 21-55, इससे पहले 10-0 और 0 का स्कोर। वैसे भी ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके लिए मैच गया नहीं, और आप चाहो तो लहरी और साई तेजा में से किसी एक बैटिंग ऑप्शन को टीम से में जरूर से ट्राई करें। डेविड मिलर पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म रहे थे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन 446 मुकाबले 9627, जिसमें 35 का औसत, 139 का स्ट्राइक रेट है, पर 2023 के अंदर खेलेगा। अपन का रिसेंट टी ट्वेंटी फॉर्म देखो तो 4-6-7, इससे पहले 41 का स्कोर है। तो ज़्यादातर ये देखो पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, तो अभी इनको आप ग्रैंडिस के टीम्स में रखो। अगर आप ग्रैंडिस के टीम्स में रखते भी हो तो किसी किसी टीम्स में कैप्टन भी ट्राई करना। वैसे भी जो डेनियल सेम्स नजर आएंगे दोस्तों, ये लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर बैट्समैन लेफ्ट मीडियम बॉलिंग करा लेते हैं, 138 मुकाबले टोटल 1486 रन, जिसमें 17 का एवरेज, 154 का स्ट्राइक रेट है, 136 इनिंग में 165 विकेटें मिले, जहाँ पर ये अपने 4 ओवर कंप्लीटली सोवर कराते हुए दिखेंगे, प्लस बैटिंग भी इनके पास है। तो ये कैप्टन एंड वाइस कप्तान के भी सेफ रहेंगे, वो चाहे स्मॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग जरूर से ट्राई करके जाना दोस्तों। इस मुकाबले के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि डेथ के भी ओवर से कराते हुए दिखेंगे, तो जरूर से टीम्स में प्रीफर करना। इनके अलावा जो मिचेल सेंटेनियो नजर आएंगे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ही बॉलिंग कराते, 168 मुकाबले टोटल 1996, जिसमें 24 का औसत, 134 का स्ट्राइक रेट, 165 मैचों में 170 इनका विकेट रहा था। रिसेंट फॉर्म देखो तो 13 का स्कोर 1 विकेट, से पहले 64 का स्कोर 1 विकेट, इस तरह से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म। तो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर इनको अपने टीम से हम पिक करके चलेंगे, और मिनी जेल ग्रैंडिस के टीम्स में इनको कैप्टन भी करना। बाकी इनके सिवा जो यहाँ पर डैन ब्रावो दोस्तों राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट मीडियम में भी बॉलिंग कराते हैं, 558 मुकाबले टोटल 6896, जिसमें 22 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट और 528 मुकाबले में टोटल 615 विकेट इनको भी मिले। तो डैन ब्रावो भी ठीक ठाक रहेंगे, हालांकि दोस्तों अभी 2023 के अंदर खेलेंगे, अब इनका रिसेंट टी ट्वेंटी फॉर्म देखोगे तो जहाँ पे बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही अच्छे खासे फॉर्म में चले, एक बॉलिंग ऑप्शन ठीक ठाक रहेंगे तो टीम्स में इनको जरूर से पिक करना। इनके अलावा जहाँ पर कैलविन नजर आएंगे दोस्तों पूरी तरह से इनकी जो स्टार्ट है 19 मुकाबले में टोटल 14 विकेट, कुछ खास बढ़िया फॉर्म नहीं है, एज अ बैटिंग ऑर्डर भी बहुत सारे नीचे, तो इनको अभी जो आप जेल के टीम में रखो। इनके अलावा जो यहाँ पर रोशनी नजर आएंगे दोस्तों राइट मीडियम में भी बॉलिंग 129 मुकाबले टोटल 147 रन, जहाँ पे रिसेंट के मैचों में 2 विकेट विकेटलेस, 1 विकेट 1 विकेट, कैमरून का भी कुछ खास अच्छा फॉर्म रहा नहीं, 7 मैचों में सिर्फ 6 विकेट रिसेंट के मुकाबले, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, और आप चाहो तो दोनों को भी जेल के टीम्स में रखो, या फिर किसी एक के साथ जाना चाहते हो तो टीम्स में ट्राई करना। और बाकी इनकी बेंच प्लेयर से जो भी प्लेयर दोस्तों यहाँ से खेलते हैं, इनकी सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम्स पे देंगे। अब देखो टॉप प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इस टीम की ओर से डेविड कॉनवे, फफ टू प्लेयर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर आप चाहो तो डैनियल सिम्स तीसरे ऑप्शन से रहेंगे, सेंटेनर चौथे प्लेयर्स रहेंगे इस मैच के लिए, और डैन ब्रावो ये हमारे पाँचवें ऑप्शन से रहेंगे। छठे ऑप्शन के तौर पर अगर आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक के साथ चल सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर लॉस एंजलिस जो टीम है ना दोस्तों, इनकी टीम की ओर से जेसन रॉय जो कि राइट हैंडर बैट्समैन, 323 मुकाबले टोटल 8473 रन, जिसमें दोस्तों 28 के एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट, एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म, जहां पे लास्ट के मैच में 15+, इससे पहले 21 और 28, उसके बाद 45, इस तरह से बैटिंग से जो एवरेज फॉर्म है दोस्तों आपको 15 या फिर 20+ स्कोर इस मैच में भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में पिक करके चलेंगे, ग्रैंडिस वगैरह खेलो तो फिर वहाँ पर आप इन्हें कैप्टन करना। इनके अलावा जो यहाँ पर उनमुकुट नजर आएंगे ना दोस्तों, ये राइट हैंडर बैट्समैन टी ट्वेंटी 84 मुकाबले 1637, जिसमें 21 के एवरेज, और 2023 के अंदर खेलेगा। आप इनका रिसेंट फॉर्म देखोगे तो रिसेंट के मैचों में 1 रन का स्कोर, इससे पहले भी 1, उसके बाद इन्होंने 103 का हाईएस्ट स्कोर था दोस्तों। और ऐसे भी अगर आप चाहो तो जीएल के टीम्स में इनको पिक कर सकते हो। इनके बेस पे देखो आपके पास रेंसो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन टी ट्वेंटी 332 मुकाबले टोटल 7933 रन, जहाँ पे 30 के एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट और 6 इनिंग में अंदर 3 विकेट रहा था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रह सकते हो जो बैटिंग से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म दोस्तों, लास्ट के मुकाबले डक पर आउट, इससे पहले 82, उसके बाद 5-35 और 35 का स्कोर है। तो अभी यहाँ से हम एजा फिर इनको टीम्स में पिक करके चलेंगे, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, और इस मुकाबले के सेफ ऑप्शन भी रहेंगे तो ज़रूर से पिक करके जाओ। इनके अलावा यहाँ पर दोस्तों गजानंद सिंह नजर आएंगे इस मैच में खेलते हो, जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन काफ़ी यंग प्लेयर्स है, रिसेंट के मैचों में 69 से पहले 10, उसके बाद 13-33 और 26 का स्कोर है। और यहाँ से अगर ये खेलेंगे भी तो फर्स्ट टीम में टीम बैटिंग कराती हैं तो ही ट्राई करना। आपके पास मल्होत्रा दोस्तों ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन 217 मुकाबले टोटल 267 रन, 19 के एवरेज, जिसमें 200 विकेटलेस भी है, रिसेंट के फॉर्म में 72-68-34 का स्कोर, उसके बाद ये डक पर आउट हुए। वैसे भी ये थोड़ी सी इनकी जो डोमेस्टिक लेवल का मैच का रिसेंट फॉर्म है, पर एक चीज़ यह है कि दोस्तों इनके पास
और थोड़ी सी फॉर्म बेहतरी ने जो बैटिंग से आपको अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं, पर भी सामने वाले टीम के पास बॉलिंग स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कुछ खास इनका बड़ा स्कोर रहेगा। अभी इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। आपके पास आंद्रे रसल इस मुकाबले के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग, 200/450 मुकाबले 75/49 रन, जिसमें 26 का औसत, 401 मैचों में 397 विकेट है। तो वैसे भी ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही काफ़ी बढ़िया फॉर्म में, तो यहाँ से इनको एज अ प्लेयर अपने टीम से पिक करके जाना। इनके अलावा सुनील नारायण 200 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेकर, ये भी बॉलिंग कराते हैं, 249 मुकाबले 3636, जिसमें 15 का एवरेज और 468 मैचों में 509 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, इससे पहले 78 का स्कोर 1 विकेट, 16 का स्कोर 2 विकेट, इस तरह से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म। तो यहाँ से भी इनको अपने टीम से हम ट्राई करके चलेंगे। दोनों ही मुकाबले टीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, तो जरूर से ट्राई करना। इसके सिवा यहाँ पर जो ड्रा नजर आएंगे दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग, जहाँ पे देखो तो ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ भी अच्छा फॉर्म नहीं रहा। अली खान का भी 249 मैचों में 53 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, विकेटलेस 1 विकेट, 7 विकेट, 3 विकेट, जिसमें आपको एवरेज विकेट टिगर्स के तौर पर 1 से 2 विकेट निकाल कर देंगे। इनके अलावा यहाँ पर एडम जंपा भी लेग ब्रेकर बॉलिंग है, 238 मैचेस 200 जो है, जहाँ पे 277 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 2 विकेट, एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म 200 देश के भी ओवर्स पर आते हुए दिखेंगे। तो अभी इनके साथ जाएंगे, बाकी यहाँ से लगे फोकसन को भी रखेंगे 200 राइट में फास्ट, ये भी बॉलिंग कराते हैं और इन्होंने भी 131 मुकाबले 147 विकेट, तो ऑलमोस्ट बॉलिंग ऑप्शन ठीक ठाक है। तो अभी एडम जंपा और फोकसन दोनों ही इस मुकाबले के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, जरूर से ट्राई करना। और बाकी इनकी बेंच प्लेयर से जो भी प्लेयर दोस्तों यहाँ से खेलेंगे ना, सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिशियली रियल टेलीग्राम्स पे टीम देंगे, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और अभी चलते हैं अपनी फैंटेसी टीम्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो विकेट कीपनिंग ऑप्शन है डेविड कॉनवे के सिवा हमारे पास मल्होत्रा दूसरे ऑप्शन रहेंगे, जो कि अगर आप टीम से पिक करना चाहते तो जरूर से ट्राई करना, पर अभी ऐसा हम इनके साथ जाएंगे। इसके सिवा हमारे पास और फब्डू प्लेसिस से जेसन रॉय इस मुकाबले के सेफ रहेंगे, बाकी यहाँ पर हम रेंसो के साथ जाएंगे। इनके अलावा आपके पास मेडल कुप्टिल और अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप चांद को टीम से रख सकते हो, ऑलमोस्ट ये भी ठीक ठाक रहेंगे, पर अभी इनको यहाँ से हम किसी को रखेंगे नहीं और इन दोनों के तीनों के साथ जाएंगे। इनके अलावा आंद्रे रसल रहेंगे, डेनियल सेम्स, उसके बाद सुनील नारायण, सेंटेनर और ब्रावो में से किसी एक को पिक करना अगर आपको इच्छा हो तो, फिर सेंटेनर के साथ हो, पर अभी हम ब्रावो के साथ जा रहे हैं दोस्तों। मुझे इस मुकाबले के लिए काफ़ी परफेक्ट ऑप्शंस दिखे। इनके अलावा एडम जंपा रहेंगे दोस्तों इस मुकाबले काफ़ी इंपॉर्टेंट, लकी फोगुसन है आपके पास एक ऑप्शन। देखो रिस्क लेना हो तो फिर आप किसी नए बॉलर पर रिस्क ले सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्लाइविन को टीम्स में रख लो, ऑलमोस्ट ये काफ़ी यंग प्लेयर्स बॉलर से आप 1 से 2 विकेट भी निकाल कर दें, तो ये थोड़ी सी मुझे लिए डिफरेंशियल भी नज़र आ रही। तो अगर आप देखो तो इनके साथ हम जा रहे सेम टीम के साथ एज इन्वेस्टमेंट है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो डेनियल सेम्स मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट दिखे, रीज़न ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करा कर देंगे। इनके अलावा वाइस कैप्टन हम सुनील नारायण या फिर आंद्रे रसल में से किसी को करेंगे, और सुनील नारायण एज अ बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही अभी हाल ही में खेले गए टूर्नामेंट में काफ़ी बढ़िया टच में चले थे, तो सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको चेंजेस करना हो तो फिर कैप्टन वाइस कप्तान डेविड कॉनवे फब्डू प्लेसिस से आपके पास, इनके अलावा अगर आप चाहो तो आंद्रे रसल और डेविड मतलब ब्रावो, ऑलमोस्ट ये दोनों आपको चेंजेस करना चाहिए। फिलहाल हम सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जरूर से जुड़ जाना। अभी दोस्तों मिलते अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रिडिक्शन के साथ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर से जुड़ जाना।